स्कूल में मेमोरी कंपटीशन संपन्न मुंबई डीबीसीआई स्कूल में छात्रों की योग्यता का आकलन करने के लिए मनपा एवं पश्चिम शिक्षा विभाग स्तर में 6 सदस्यीय प्रिंसिपलों द्वारा मेमोरी कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस कंपटीशन में एम पश्चिम बोर्ड के 21 प्राइमरी स्कूलों का कुल 21 टैलेंट छात्रों ने हिस्सा लिया। इसके लिए विभिन्न स्कूलों की प्रिंसिपल और शिक्षिकाओं ने छात्रों द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर का आकलन कर उन्हें मार्क देंगी। इस आयोजन में मनपा एम पश्चिम की शिक्षा निरीक्षिका श्रीमती रजनी खरात व पूर्व शिक्षा निरीक्षक विश्वास रोकड़े बतौर अतिथि थे। मिली जानकारी के अनुसार चैम्बूर के कलेक्टर कॉलोनी में स्थित डीबीसी हाई स्कूल की प्रिंसिपल शोभा शेट्टी ने मेमोरी कंपटीशन को डिजाइन किया था। मनपा एम पश्चिम की हाल में आने वाले कुल 21 स्कूलों के टैलेंट छात्रों ने हिस्सा लिया। इस कॉम्पिटिशन में ऑब्जेक्टिव साइन लैंग्वेज और विजुअल का समावेश था। कुल 3 राउंड में संपन्न हुए मेमोरी कंपटीशन में पहले हुए पायदान पर सरस्वती विद्यालय युवाश्री खन्ना, दूसरे पायदान पर डीबीसी प्रदान्य मात्रे और तीसरे पायदान पर साधु वासवानी की सुहानी तिवारी ने इसी कंपटीशन में अपने जौहर दिखाए। इसके अलावा पहले कॉन्सोलेशन प्राइज में लोकमान्य तिलक स्कूली सिद्धिका गुप्ता, AFSC के आयान खालिफी और चैम्बूर इंग्लिश स्कूल की मुस्कान शाह को दिया गया। यहाँ डीबीसी की प्रिंसिपल शोभा शेट्टी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों के बहाने हम सभी एक दूसरे से मिल लेते हैं और इसी बहाने छात्रों की योग्यता व क्षमता परखने का मौका मिलता है। इस मेमोरी कंपटीशन की रूपरेखा पूर्व प्रिंसिपल शोभा शेट्टी द्वारा बनाया गया है, जिसे शिक्षा निरीक्षक जैसे मैंने आगे बताया, मेमोरी कॉन्टेस्ट हमने रखा बच्चों के लिए, क्योंकि जो आजकल एजुकेशन पैटर्न चल रहा है उसमें बच्चे 3-3, 4-4 चैप्टर पढ़ते हैं, उसका एग्ज़ाम देते हैं, रिटेंशन कम होता जा रहा है बच्चों का। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने ये कॉम्पिटिशन ओरिजिनेट किया है इस साल से, और उसमें बच्चों को 3 राउंड के लिए हम एक्सपोज करते हैं। फर्स्ट राउंड इज़ ऑब्जेक्ट राउंड, उसमें बच्चों को हमने 20 ऑब्जेक्ट्स दिखाए थे, वो बच्चों को देख के उनको पहचानना था। 3 मिनट के लिए उन्होंने ऑब्जेक्ट्स देखे, उसके बाद में वापस अपनी सीट पे जाके उनको 5 मिनट का समय दिया गया और उसमें उन्होंने जितने याद रहे उन ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखे। ये पहली बार है जब हमने वार्ड लेवल पे ये कंपटीशन रखा है। सेकंड राउंड था उनका साइन राउंड। EVS की बुक में एक है साइन लैंग्वेज पे, बच्चे बहुत इन्जॉय भी करते हैं उसे, तो वो हमने वर्ड्स फॉर्म किए उनके साइन से करके, और बच्चों को 15 सेकंड के लिए वर्ड का साइन दिखाया गया, साइंस दिखाए गए वर्ड में, और बच्चों को वर्ड रिकग्नाइज करके अगले 15 सेकंड में आंसर शीट में लिखना था। तो ऐसे 10 वर्ड्स हमने उनको एक्सपोज किया एंड दे हैव रिटन विद इन द टाइम। 21 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से 6 बच्चों को प्राइज मिला, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से हम लोग कमिटी जो ऑर्गेनाइज करती है उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट कंसोलेशन, सेकंड कंसोलेशन और थर्ड कंसोलेशन, ये प्राइज दिए जाते हैं। तो 6 बच्चों को 21 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया, हर स्कूल से एक बेस्ट बच्चा 4th स्टैंडर्ड का, वो टीचर्स ने प्रिपेयर किया वहाँ पे, और कंपटीशन बहुत स्टिफ था। जैसे आप लोगों ने रिजल्ट में सुना होगा 2 बच्चों के सेम मार्क्स पर, फिर उस टाइम में हमने देखा कि किसने पहले किया उसका टाइम, जिसका पहले टाइम हुआ उसको बेटर प्राइज मिला और जिसको कम ज़्यादा टाइम लगा उसको दूसरा प्राइस मिला। अभी फ़िलहाल जहाँ पर मैं गया हूँ वो MCGM के सेकेंडरी स्कूल से, BMC के सेकेंडरी स्कूल से, उसका इंस्पेक्टर बोल के वहाँ पर गया हूँ, और यहाँ पर जो था मैं, आप जैसे आप कह रहे कि चर्चा में था, तो अच्छे कामों के लिए चर्चा में था, ये मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। इसके पीछे ये मतलब यहाँ की जो वार्ड कमेटी है ना, ये वार्ड कमेटी ने हर एक काम में हमें बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया, और मेरे रहते हुए यहाँ पर हमने ये परंपरा शुरू की थी कि वार्ड का जो भी HM रिटायर हो जाता है तो उनका सत्कार हम करते थे। तो वैसे ही आज हमारी जो सुजय मैम है वो रिटायर्ड हुई है और उनका सत्कार था, इसके लिए मैं सारे मीटिंग्स मेरे छोड़ के आज ये प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ था। मैं इसके लिए HM टीचर्स को ज़्यादा मैं उनकी तारीफ करूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत मोटिवेशन किया है बच्चे के पीछे, बच्चों को अच्छी तरह से उन्होंने इंस्पायर किया है, और पूरे साल की मेहनत दिख रही है ये, या एक ये 2 दिन की बात नहीं है। जो सर ने सिस्टम चालू किया है कंपटीशन का वो आज ख़त्म हुआ है, तो इसके लिए मैं सर के लिए भी धन्यवाद करती हूँ,
और टीचर्स और एचएम के लिए किस तरह, यानी ये कंपटीशन हर स्कूल में रहते हैं। इसमें ये है कि मेमोराइजेशन, जो कि आज के दिन में ये नहीं है, किसी को भी नंबर भी फ़ोन नंबर भी याद नहीं रहता है। तो ये तो छोटे बच्चे हैं, उनको अभी से हम मोटिवेट करेंगे तो उनको ज़्यादा मेमोराइजेशन रिटेंशन का वैल्यू समझ में आएगा। नहीं तो क्या है, बच्चे भी कंप्यूटर में या मोबाइल में लगे रहते हैं, तो टीवी में भी देखते हैं, तो उनको ये सिस्टम नहीं मालूम पड़ता। अभी उनको ये कॉम्पिटिशन के वजह से हमको क्या रिकॉल करने का है, क्या याद रखने का है, ये समझ में आया है। ये छोटा सा था और ये आगे भी चालू रहेगा। First of all, I would like to thank my management for giving me an opportunity to become the HM of the school. And I saw to it that each and every child was given attention. And I brought the best among the children, especially in competition, sports and education level also. मैंने उनको थोड़ा ऊपर level में लेके आया. And I thank Rokhde sir for that and Rajini ma'am for giving us the boost. For bringing up the best among our students, and I thank my teachers also for that. It is only 1 month that I just retired in December, so no much difference. So after 6 months, if you ask me, I think I feel still young. I don't feel that I've retired. I have future plans. If I get opportunity somewhere, I would like to work and do good for the society.